आज सीए कह रहा है धीरे धीरे ये सब लागू करेगा और इसका सिर्फ एक मकसद है, वो मकसद है वोटबंदी। ये सबसे ज्यादा विरोधी आदिवासी घुमंतू जातियां दलित और पिछड़े की विरोधी है। जब कागज नहीं दिखा पाओगे तो कुछ नहीं करेगा मोदी सरकार, तुम्हारे लिए जेल नहीं बनाएगा, वो बोलेगा तुम्हारे सारे चूंकि वोट देने का अधिकार खत्म करेगा, तो वोट देने का अधिकार खत्म तो फंडामेंटल राइट्स खत्म। ये किताब तुम्हारा पन्ना हमारा ऊपर लिखा रहेगा संविधान, लेकिन संविधान के हर पन्ने पे जो कंटेंट होगा वो मनु महाराज का होगा, ये बात समझना है। और ये मैं क्यों कह रहा हूं, ये इसलिए कह रहा हूं, मैं अपनी बात रखने से पहले बाबा साहब के दो वक्तव्य को मैं पेश करना चाहता हूं। 25 नवंबर 1949 को जब बाबा साहब संविधान सौंपने वाले थे, उस दिन संविधान सभा में जो उनका भाषण है, उन्होंने कहा था कि कोई भी संविधान अच्छा या बुरा नहीं होता, यह संविधान लागू करने वाले लोगों, संविधान लागू करने वाली एजेंसीज, उनके प्रवृत्ति पर निर्भर करती है कि संविधान अच्छा होगा या बुरा होगा। एजेंसी मतलब कोर्ट हो गया, न्यायपालिका हो गया, कार्यपालिका हो गया, विधायिका हो गया, संसद, विधानसभा, तमाम एजेंसी। उन्होंने कहा कि कोई भी संविधान कितना ही अच्छा क्यों ना हो, अगर उसको लागू करने वाले लोगों की नियति खराब हुई तो वह संविधान खराब साबित होगा। और कोई भी संविधान कितना खराब क्यों ना हो, अगर उसको लागू करने वाले लोग और उसके एजेंसी की नियति अगर अच्छी हुई तो संविधान अच्छा साबित होगा। ये मैं नहीं कह रहा, ये बाबा साहब ने कहा था। और ये आपको समझना पड़ेगा कि अभी संविधान की सुरक्षा जिन लोगों, जिन संस्थाओं के हाथों में है, वो संविधान के प्रति जवाबदेह हैं, संविधान की शपथ जरूर लेते हैं, लेकिन उनके कार्यशैली की समीक्षा करिए कि उस संविधान को मानते हैं कि नहीं मानते हैं। दूसरा स्टेटमेंट उन्होंने कहा, मैं रेफरेंस कोट ही कर देता हूं, उन्होंने पुलिस ब्यूरोक्रेसी और जो मजिस्ट्रेट है न्यायालय उसके चरित्र पे की विवेचना करते हुए उन्होंने कहा कि अधिकारी अस्पृश्य विरोधी होता है और हिंदू समर्थक, हिंदू का मतलब उनका सवर्ण हिंदू के सेंस में कह रहे हैं, जब भी उसे अपने अधिकार या विवेक का उपयोग करना होता है, प्रयोग करना होता है, तो वह उसका प्रयोग पूर्वाग्रह से अस्पृश्य के विरुद्ध करता है। ये बात नोट कीजिएगा मैं क्यों कह रहा हूँ। पुलिस और कर्मचारी अक्सर भ्रष्ट होते हैं, यदि भ्रष्ट ही हो तो कोई बात नहीं है, भ्रष्ट को तो कोई भी पक्ष खरीद सकता है, लेकिन दुर्भाग्य यह है कि पुलिस और मजिस्ट्रेट भ्रष्ट होने की अपेक्षा अधिक पक्षपातपूर्ण होते हैं। हिंदुओं के प्रति उनके इस पक्षपातपूर्ण और अस्पृश्यों के प्रति विरोधपूर्ण रवैये के कारण ही अस्पृश्य को न्याय और सुरक्षा नहीं मिल पाती है। एक के प्रति पक्षपात और दूसरे के प्रति विरोध, इसका कोई निदान नहीं है। यह जो है फंडामेंटल राइट नहीं है, मौलिक अधिकार नहीं है। तो हुजूर, बड़े अदब के साथ मैं कहना चाहता हूं कि वाकई ये मौलिक अधिकार नहीं है, ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल का पार्ट है। ये जो है नीति निर्धारक जो तत्व है संविधान के, उसका पार्ट है। क्या अब ये बताइए, इन्होंने आधा बात कही है, पूरा बात उन्होंने नहीं समझाया। और उसी तरीके से मैं तो मुकदमे भी लड़ता हूं, मैं तो कई मुकदमे लड़ चुका हूं। अब जिरह कैसे होती है, तीन शब्द का खेल देखिए, मारो मत भागो। एक वकील ये बोला कि हुजूर मेरा क्लाइंट तो ये कह रहा था मारो मत भागो, तो दूसरा वकील बोलेगा कि नहीं हुजूर मेरा क्लाइंट बोला मारो मत भागो। दोनों इंटरप्रिटेशन बदल गया, पूरा इंटरप्रिटेशन बदल गया, नुक्ते के हेर फेर से खुदा जुदा हो जाते हैं। तो
इन्होंने एक बात कही लेकिन पूरी बात नहीं कही कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल का पार्ट है, नीति निर्देशक तत्व है उसका पार्ट है। और ओवरऑल देखिए लोकशाही बुद्धि और विवेक पे चलती है, इसीलिए उन्होंने कहा था बाबा साहब ने कि संविधान अगर अच्छा हो, अगर लागू करने वाले लोग खराब हुए तो संविधान खराब ही होगा। तो आपको यह बताना चाहिए था सुप्रीम कोर्ट को कि आखिर ओवरऑल मैंडेट जो है कॉन्स्टिट्यूशन का वो क्या है, ये बताना चाहिए था कि ओवरऑल मैंडेट है जस्टिस, इक्वालिटी, स्वतंत्रता, लिबर्टी, सेकुलरिज्म, ये है ओवरऑल मैंडेट। आपको सरकार से पूछना चाहिए था कि जो प्रियम्बल है कॉन्स्टिट्यूशन का उसको आपने कहां तक अचीव किया, ये पूछना चाहिए था। ये सवाल आप नहीं पूछ रहे हैं, क्यों? ये खेल, ये लीला हम समझते हैं, ये लीला ये है। आप ये एससी एसटी ओबीसी का रिजर्वेशन और प्रमोशन में जो आया है उसको आइसोलेशन में मत देखिए, चाहे रोस्टर का मसला हो, चाहे एससी एसटी एक्ट का मसला हो, चाहे सीए हो, चाहे एनआरसी हो, चाहे 370 हो, ये पूरा पैकेज डील में है। पैकेज डील का मतलब ये संविधान को मानने वाले लोग नहीं है, धीरे धीरे संविधान को खत्म करेंगे और मनुस्मृति का शासन लागू करेंगे। 10% आरक्षण भी, आरक्षण कोई गरीबी उन्मूलन प्रोग्राम नहीं है, प्रतिनिधित्व का सवाल है। अगर अपर कास्ट में कोई गरीब है तो सोशल एक्सक्लूजन की वजह से नहीं है, सामाजिक भेदभाव की वजह से नहीं है, और राज्य की नीतियों की वजह से वो गरीब है, इसलिए स्टेट को ऐसी पॉलिसी बनानी चाहिए। तो ये सरकार, भाजपा सरकार, ये लीला करती है, लीला ये करती है जो खुद नहीं कर सकती है वो कोर्ट से करवाती है। आखिरकार मुकुल रोहतगी और उसके साथ दो और जो जो वकील थे वो कौन लोग थे? भाजपा सरकार के वकील थे जिन्होंने कहा कि नहीं, इसमें कोर्ट इंटरफेयर नहीं कर सकती है, ये फंडामेंटल राइट नहीं है। उन्होंने पूरी बात, पूरी जिरह कोर्ट के सामने नहीं की। साथियों मैं ये कहना चाहता हूं कि मान लिया कि कोर्ट इंटरफेयर नहीं कर सकता है इसमें, तो कोर्ट फिर करेगा क्या? कोर्ट को यह कहना चाहिए था ना कि अब इन सारे मौलिक अधिकार खत्म होते हैं, एससी एसटी का रिजर्वेशन खत्म होगा और सीधा सीधा सवर्ण देश बनेगा अडानी अंबानी पूंजीपतियों का देश। कहो ना सीधा, कहने में क्या प्रॉब्लम हो रही है? ये कोर्ट लोक कोर्ट पे नहीं बोलना है क्यों? इस देश में अगर संप्रभु कोई है तो है वी द पीपल, भारत के लोग। कोर्ट भी संप्रभु नहीं है, कोर्ट भी सैक्रोसेंट नहीं है। मैं सुप्रीम कोर्ट तक मुकदमा लड़ा हूं, मैं जानता हूं कि सुप्रीम कोर्ट कैसे काम करती है। तो एक तरफ कह रहे हैं कि कोर्ट इंटरफेयर नहीं करेगी और दूसरी तरफ जब भूपेश बघेल गवर्नमेंट ने ओबीसी का रिजर्वेशन बढ़ाया तो वहां जाके हाईकोर्ट में स्टे लग जाता है, वहां पे आप रोक देते हैं। तो किसको समझा रहे हैं आप? जहां आरक्षण खत्म करना हो तो वहां कोर्ट इंटरफेयर नहीं करेगी, जहां आरक्षण लागू करना हो वहां कोर्ट इंटरफेयर करेगी। तो साथियों ये सीधा और सीधा पॉलिटिकल मसला है, ये राजनीतिक मसला है, ये कोर्ट का मसला नहीं है। सड़क पे जो समाज लड़ेगा उसके अधिकार और सम्मान सुरक्षित रहेंगे, जो नहीं लड़ेगा उसके अधिकार और सम्मान सुरक्षित नहीं रहेंगे। ये कोर्ट को ये भी बताना चाहिए था कि 10% जो जन्म आरक्षण है, पहली बार जाति के आधार पर आरक्षण आया है। एससी एसटी का जो आरक्षण था वो अस्पृश्यता के आधार पे था, सोशल एक्सक्लूजन के आधार पे था। ओबीसी का था सामाजिक आर्थिक पिछड़ेपन के आधार पे था। और 10% आरक्षण जो है विशुद्ध सवर्ण जाति आधारित पहली बार आरक्षण इस देश में लागू हुआ जो कि गैर संवैधानिक था। तो कोर्ट में तो उस पर अभी तक निर्णय नहीं आया है, वो लटका हुआ है। तो कोर्ट को यह भी बताना चाहिए था कि 10% जो ये जनऊ आरक्षण है ये संवैधानिक है कि नहीं है, ये मौलिक है कि नहीं है, ये भी बताना चाहिए। तो ये बात समझिए कि राज सत्ता से कोर्ट बाहर नहीं होता है, राज सत्ता से कोर्ट बाहर नहीं है। जैसा स्टेट होगा वैसा ही कोर्ट होगा। औपनिवेशिक अंग्रेजों के जमाने में जैसा अंग्रेज था वैसा एक कोर्ट था। और ये जज साहब ने जो निर्णय दिया है, लगता है कि इसके पहले इतने बड़े बड़े विद्वान जजेज रहे हैं, उन्होंने ये बात नहीं कही। वो समझते थे कि ओवरऑल मैंडेट जो है सोशल जस्टिस है, इक्वलिटी है, स्वतंत्रता है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। तो नहीं, ये सीधा और सीधा पॉलिटिकल डिसीजन है जिसको हमको पॉलिटिकली लड़ना पड़ेगा और समाज को जागृत करना पड़ेगा। ये भी नहीं बताते हैं
कि जज का बेटा जज ही बनेगा, 200 फैमिली में पूरा हायर जुडिशियरी पूरा कब्जे में है। ये पूरा सामंतशाही चल रहा है कि 200 फैमिली में सारा हायर जुडिशियरी है। कैसे जजेस का अपॉइंटमेंट होता है मैं जानता हूं, मैंने एक बैरिस्टर के ऊपर पीएचडी की है। ये जज का अपॉइंटमेंट कैसे होता है वो हम जानते हैं। तो आप अपना कुछ ट्रांसपेरेंट नहीं कीजिएगा, जज कैसे बनेगा वो नहीं बताइएगा। और हमको कह रहे हैं सरकार करे कागज दिखाओ, तो हम कह रहे हैं जाति जनगणना कराओ। बताओ इस देश में कितने वाइस चांसलर ओबीसी के हैं, कितने एससी एसटी है, बताओ कितने कैबिनेट सेक्रेटरी है, बताओ कितने सेक्रेटरी है, बताओ हाई कोर्ट के जजेस कितने हैं, बताओ सुप्रीम कोर्ट में कितने जजेस हैं एससी एसटी ओबीसी के। ये कोई भी संस्था इस देश में इंक्लूडिंग पार्लियामेंट इंक्लूडिंग सुप्रीम कोर्ट कोई भी सोशल ऑडिटिंग से परे नहीं है। ये बात इस गांव-गांव जाके ये बात समझाना है, डरने की बात नहीं है। जो समाज लड़ेगा, बाबा साहब ने इसीलिए लिखा था, वो जानते थे कि सारी ऐसी संस्थाएं तानाशाही प्रवृत्ति की हो जाएगी। तो उन्होंने क्या कहा था, ओम नमः शिवाय, अल्लाह अकबर से नहीं संविधान शुरू किया था उन्होंने, शुरू किया था हम भारत के लोग कि जिस दिन लगे तुम्हारे हकूक की हकमारी हो रही है, जिस दिन तुम्हारा अपमान हो रहा है, जिस दिन तानाशाह पैदा हुआ है, उस दिन तुम भारत के लोग सड़क पर उतरना और ऐसे तानाशाह सरकार और संस्थाओं को उखाड़ फेंकना, इसलिए उन्होंने हम भारत के लोग कहा था। लोहिया भी कहते थे कि जब सड़कें सुनसान होंगी तो संसद आवारा हो जाएगा। ये हम लोग की जिम्मेदारी है कि न सड़कें सुनसान होने देना है, न संसद को आवारा होने देना है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट के दो दो निर्णय के खिलाफ हम लोगों ने सड़कों पे लड़ाई लड़ी, पॉलिटिकल पार्टी ने नहीं लड़ी थी, हम लोग लड़े थे, और सरकार को बैकफुट पर जाना पड़ा। इसलिए इस सरकार की जिम्मेदारी अब ये पार्लियामेंट की जिम्मेदारी है कि वो जातीय जनगणना कराए। यहाँ पे पेड़ पौधों की गिनती हो रही है, घोड़े की गिनती हो रही है, शेर की गिनती हो रही है, तो हम कह रहे हैं जाति जनगणना कराए, तो वो कह रहे हैं कागज दिखाओ। तो हम भी कह रहे हैं भाई तुम जाति जनगणना नहीं कराओगे तो हम भी कागज नहीं दिखाएंगे। ये प्रधानमंत्री जी अपना डिग्री दिखाओ, स्मृति ईरानी अपना डिग्री दिखाओ, तो आप नहीं दिखा रहे हो और सीए एनआरसी लगा रहे हो। तो सारा पैकेज डील है साथियों, इसको अलग अलग विरोध मत करना, न समझना कि सीए एनपीआर एनआरसी ये पूरा पैकेज में आया है। बाय वन गेट टू फ्री, बाय वन गेट टू फ्री। एक लाइन में समझाता हूं कि आज ये सीए कह रहा है धीरे धीरे ये सब लागू करेगा और इसका सिर्फ एक मकसद है, वो मकसद है वोटबंदी। वोटबंदी किसका? आपको लग रहा होगा कि सीए मुसलमान के विरोधी, नहीं, ये सबसे ज्यादा विरोधी आदिवासी घुमंतू जातियां दलित और पिछड़े की विरोधी है। जब कागज नहीं दिखा पाओगे तो कुछ नहीं करेगा मोदी सरकार, तुम्हारे लिए जेल नहीं बनाएगा, वो बोलेगा तुम्हारे सारे, चूंकि वोट देने का अधिकार खत्म करेगा, तो वोट देने का अधिकार खत्म, तो फंडामेंटल राइट्स खत्म, सारे अधिकार खत्म, स्कूल जाने के अधिकार खत्म, कॉलेज जाने के अधिकार खत्म, संपत्ति के अधिकार खत्म, नौकरी के अधिकार खत्म। तो बोलेगा कि भारत के बाउंड्री में रहो, यहाँ मजदूरी करो, यहाँ काम करो, आप पेट भरने लायक तुमको खाना मिलेगा और कपड़े मिलेंगे, यही इनकी मंशा है। इसीलिए मैंने कहा कि मनु बाबा की आत्मा अब संविधान में प्रवेश कर गई है और ये हो रहा है संसद के द्वारा हो रहा है। और त्रासदी देखिए, बाबा साहब कोई पूना पैक्ट में रोए थे, वो बोले थे मेरे जिंदगी के सबसे बड़ी हार है कि इससे ऐसे घुटना टेक और ऋण भी नेता पैदा होंगे जो संविधान की शपथ लेंगे और संविधान की हत्या करेंगे। 131 सांसद बैठे हुए हैं, उनकी आवाज नहीं निकल रही है क्योंकि ये लोग तनखैया लोग हैं, ये लोग पेटपलुआ लोग हैं, ये पेट पालते हैं, इनको बंगला चाहिए, इनको लाल बत्ती चाहिए, इनको तनख्वाह चाहिए और बच्चों का सुरक्षित पॉलिटिकल करियर चाहिए। इसलिए ऐसे नेताओं को मैं बार बार ये बात कह रहा हूं साथियों कि जो समाज जिंदा रहता है उसी की राजनीति भी जिंदा रहती है, वैसे नेता को कान पकड़ के ठीक करने की जरूरत है, ये बात समझ लेना। मैं नेता के पास जाता हूं मैं, लेकिन मैं व्यक्तिगत काम से कभी नहीं जाता। भाई साहब बैठे हुए उदित राज जी, कभी मैं अखिलेश जी से मिलता हूं, तेजस्वी से, सबसे मुलाकात होती है, लेकिन व्यक्तिगत काम के लिए नहीं जाता। मैं जाता हूँ समाज के झंडे पे बात करने जाता हूँ। तो जिस दिन हमारे जैसे सैकड़ों लोग घर में पैदा करोगे उस दिन नेता लोग भी ठीक हो जाए। शुक्रिया साथियों, जय भीम।